आपको भी कई अब लोग महाराष्ट्र के नए चाणक्य के रूप के रूप में देख रहे हैं क्योंकि एक पूरी बेसलाइन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की चेंज होगी है पर देवेंद्र जी साथ में मैं कहना चाहता हूँ एक कांस्टेंट मैं नेशनल मीडिया में देख रहा हूँ कि ऑल इज नॉट वेल इन महायुक्ति पिछली बार अगर 2019 में हम कंपैरिजन करेंगे तो जब सीटों का वितरण हुआ था एक मतलब काफी आसानी से सीटों का वितरण हुआ था अभी जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो नेगोशिएशंस काफी लंबे चल रहे हैं थाने की सीट में भी कई बार नेगोशिएशंस के बाद में फाइनली जो है वो डिक्लेयर हुई अभी पालघर की सीट बची है डिक्लेरेशन करने के लिए तो कई लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि आप जो पहले आपके ओपोनेंट थे आज वो आपके साथ अलायंस के अंदर आ चुके हैं सो ऐसा तो नहीं कि लीडर्स का आपका अलायंस हो चुका है महायुक्ति के अंदर पर जो वर्कर है उसके बीच में अलायंस नहीं हुआ है और ये आपको महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार जो आपका 41 का आंकड़ा था उससे नीचे लाने के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है ऐसा है कि हम दो लोग थे तो सीटें बांटना आसान था तीन लोग हो गए तो निश्चित रूप से कुछ कटने या हमारे सामने आई आमने-सामने लड़े तो भी कठिनाई हमारे सामने आई लेकिन हमने 90% सीटों का बंटवारा एक मीटिंग में कर दिया 10% सीटों पे हमको समय लगा लेकिन अब तो बंटवारा हो चुका है इंडिविजुअल पार्टीज़ को उनके कैंडिडेट डिक्लेयर करने है। थाने हैं दक्षिण मुंबई है नासिक है ये तो शिवसेना के पास है पालघर हमारे पास है वो तो उनके कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे हम हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे आपने इसको बड़ा मतलब बहुत ही आसानी से आंसर कर दिया पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ देवेंद्र जी क्योंकि एक मीडिया में रिपोर्ट भी आई थी कि बीजेपी ने कहा है कि उनके सीटों के ऊपर एक नाथ शिंदे या बाकी के अलायंस पार्टनर जो कैंपेन नहीं करेंगे उनको स्टार कैंपेनर के रूप में नहीं चाहिए उनको सिर्फ स्टार कैंपेनर के रूप में देवेंद्र फडनविस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाकी बीजेपी के सीनियर लीडर्स चाहिए तो क्या देखिए ये एकदम गलत बात है मूल रूप से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री जी का अजित पवार जी का सभी का नाम भेजा था हमको नोटिस आया और उन्होंने कहा भले ही अलायंस पार्टनर हो आप उनको कैंपेन में बुला सकते हो लेकिन आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आ सकता उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम आएगा और उनकी लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता उनकी लिस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम भेजा था उनको नोटिस आया कि प्रधानमंत्री जी का नाम आप नहीं दे सकते आप उनको बुला सकते हो लेकिन प्रधानमंत्री जी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहेगा तो इसलिए यह हमारे कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है है इलेक्शन कमीशन को तो सिर्फ प्रोसीजरल इशू था प्रोसीजरल इसलिये इसलिये प्रोसीजरल इसलिये 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 नहीं था ऐसा कि बिल्कुल की डिमांड हमारी सीटों पर हम शिंदे जी को बुला रहे हैं हम अजीत दादा को बुला रहे हैं उनकी सारी सीटों पर मैं जा रहा हूं हम बिल्कुल एक दूसरे की सीटों पर जा रहे